तो ये देखिए मतलब जंगल कुछ ऐसा है इधर का ही देखिए, जंगल का सीन देखिए, मतलब इस साइड से पेड़ है, इस साइड से पेड़ है। तो विशाल दा हम पे एक सब्सक्राइबर करवा रहे हैं हमारा काला डुगी से, क्योंकि सब्सक्राइब हो गए गए वो लेडीज है, इनको लिफ्ट चाहिए बट हम लिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि हम सबके लौंडे रह गए। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग फिलहाल आपके बहन ने स्टार्ट कर दिया है, बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है विशाल दा की कार से। ये देखिए विशाल दा की कार है, तो फिलहाल अभी बैठे हैं विशाल दा की कार में, बाकी विशाल दा तो नहीं है, विशाल दा भी कमरे में। तो विशाल दा ने मुझे कॉल करके बुलाया कि यार मुझे जाना है काला ढूंगी, तो बता ना वो कहीं जाते ना तो मुझे पक्का कॉल कर देते, क्योंकि यार मैं व्लॉग बना लता हूं, उनको भी अच्छा लगता है मेरे व्लॉग में आना, बाकी आप लोग का अच्छा लगता है नहीं लगता वो तो मुझे पता नहीं, बट उनको तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं विशाल दा के साथ काला ढूंगी, पहले बाजपुर गए थे बट अब जा रहे हैं काला ढूंगी। तो काला ढूंगी में इतना अच्छा सीन होने वाला है ना कि आज हम आपको दिखाएंगे फुल काला ढूंगी का सीन। बाकी मुझे यहाँ अकेले बैठा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अभी गर्मी लग रही है, तो आज ना क्या ही मस्त ब्लॉग होने वाला है। आप सोच सकते हैं कि आज फर्स्ट टाइम आपके भाई का ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है विशाल दा के साथ, तो चलेंगे अभी, तब तक बहुत गर्मी लग रही है, जब आएंगे फिर मिलाते हैं उनसे, फिर पूछते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बाकी अभी थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। विशाल दा भी आ चुके हैं, तो विशाल दा कितना टाइम है फिर अभी? बस 5 मिनट, 5 मिनट के बाद चलते हैं विशाल दा घर में। तो विशाल दा भी डिग्गी में कुछ सामान रख रहे हैं, फिर चलते हैं। गाइस फिलहाल अभी निकल चुके हैं, बाकी अभी ये ब्लॉग बन रहा है हेडफोन से बन रहा है, चेक करिए ये विशाल दा के न्यू हेडफोन है नॉइस के। क्या कितने बड़े विशाल दा है? 1200 के न्यू हेडफोन, चेक करिए मतलब आवाज कैसी आ रही है इससे, चेक मतलब बताने की जरूरत है आवाज कैसी आ रही है कमेंट में। पहुंच चुके हैं काला ढुंगी वाले जंगल के पास, तो काला ढुंगी अभी पहुंचे नहीं है बट अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। इधर से कभी भी जानवर आने का खतरा बना रहता है आगे से, बट आते नहीं कभी भी। अब यहाँ पे आने वाला है कुछ बहुत अच्छा सीन, ये चेक करिए आप, ब्रिज की एक साइड है और एक साइड, बाकी काफी पतला ब्रिज है, इसमें सिंगल कार निकल सकती है बस, बाइक तो 3-4 निकल जाएंगे। ये भी करा रहे हैं हम फ्यूल अप यहाँ पे से, क्योंकि इसमें फ्यूल भी अभी काफी कम है, बट अभी यहाँ पे से फ्यूल अप कराते हैं हम फिर चलते हैं। ये आप यहाँ पे 103 रुपये लीटर चल रहा है काला ढूंगे में फ्यूल, हमारा कितना चला विशाल दा? ये रेट है भाभी, होगा इतना ही है भाभी, तभी तो कह रहा हूँ। चलते हैं और फ्यूल भराते हैं। तो अभी हो रहा है फिलहाल इसमें फ्यूल अप 500 रुपये का, अरे ये तो बंद ही नहीं करा ढक्कन। अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं भाई, किस नाम से? मितेश कोहली ब्लॉग। सब्सक्राइब हो गए वीडियो भी ऑन रही, सब्सक्राइब कर दो यार। सच मान लो नितेश कोहली ब्लॉग करके होगा, खुद ही मार लो तो मैं मार तो विशाल फील डाल रहा हूँ। हाँ हाँ करो करो, नितेश कोहली ब्लॉग बोल लो आ जाएगा। तो विशाल दा हम पे एक सब्सक्राइबर करवा रहे हैं हमारा काला डुगी से, क्योंकि नितेश कोहली ब्लॉग ऑल कर दो, ऑल कर दो, ऑल ऊपर वाले कल शादी का डाल रखा है, ऊपर वाले पे क्लिक करो, ये आ गया सारा चैनल।
हेलो तुम्हारा कौन देखो ये भाई साहब। चैनल का भाई का नाम बता दो चैनल का। सुवी व्लॉग। सर्च करके आ जाएगा। तो फिलहाल हमने कुछ पैक कर दिया है, तो विशाल दा के साथ कुछ सवारी है ना वहाँ देखिए बैठे हैं अंदर, तो उनको लेके जा रहे हैं, बाकी अभी उनका रख दिया पैक अंदर। फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं, बाकी देखते हैं विशाल दा बाहर जा रहे हैं, तो अभी हम किसी लोकेशन में आपको दिखाते हैं। अभी आप इधर आए थे, अभी हम तो किसी को छोड़ना आए थे, बाकी विशाल दा भी उतरे हैं, तो भाई बाहर चलता थोड़ी देर। तो विशाल दा उतर चुके हैं, तो इधर आए थे छोड़ने इन लोगों को, ये भाभी लोग ना इनको छोड़ना आए थे, बाकी विशाल फिलहाल अभी हम छोड़ के तो अभी निकल चुके हैं वहाँ से। तो यार अभी लेके आए थे, हम कोई गांव में रहते हैं ना, तो उनको लेके आए थे, तो विशाल दा और हम गए थे छोड़ने, बाकी इधर पे ट्रैफिक लगा पड़ा है, तो अभी छोड़ के आ चुके हैं। तो विशाल दा और मैं जा रहे घर को, देख सकते हैं कार्ड की लोकेशन आप चेक करिए। नेट खत्म हो गया क्या? यहाँ पे एक स्कूल है, तो इधर पे स्कूल के बच्चे लगे पड़े, आराम से चलने चल रहा है। स्कूल के बच्चे इधर से, स्कूल के बच्चे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सामने, और इधर से बच्चे लेने आए स्कूल के बच्चे को, कह रहा है करके जल्दी जल्दी निकलो निकलो निकलो, कह रहे हो निकलो, सिक्योरिटी गार्ड कह रहे निकलो आराम से, जा रहे हैं। मेन रोड में देखिए आप, मेन रोड है, तो फिलहाल अभी मेन रोड में साईं बाबा भी हमारे साथ है, टेंशन की बात नहीं है, तो चलते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लिया है, तो अभी थोड़ी देर रुके यहाँ पे हम और बाहर चलते हैं, बाहर का सीन दिखाते हैं आपको कैसा है। गर्म हो गया तो बाहर आ गए, और इस साइड देखिए जंगल है, और विशाल दा तो फिलहाल अंदर बैठे पड़े, बाकी यार अभी फर्स्ट ब्रेक लिया, अभी हमने उनको छोड़ के आ गए ना, तो ये चेक करिए आप यार, क्या ही बताओ यार, अभी बहुत मजा आया आज, हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। विशाल दा अभी अंदर से बाहर निकल चुके हैं, तो जंगल का सीन देखिए आप, मतलब जंगल का सीन इतना प्यारा है ना, ये देखिए इधर कभी भी किसी टाइम ना हाथी घोड़े सांप पता नहीं क्या क्या आया था इधर, पता नहीं है, बट ना बहुत बढ़िया सीन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे टाइम में ना इधर घूमने का आया जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्या ही बताऊँ आपको। तो ये देखिए मतलब जंगल कुछ ऐसा है इधर का, ये देखिए जंगल का सीन देखिए, मतलब इस साइड से पेड़ है, इस साइड से पेड़ है, बाकी अगर ना एक भी पेड़ अगर ऐसे गिर गया ना पूरी रोड ब्लॉक हो सकती है। इसी देखिए भाई कितनी स्पीड से निकाल रहे कार, वैसे हम भी स्पीड से निकाले थे। देखिए विशाल दा मजे ले रहे अपनी गाड़ी के सामने खड़े होके, और इधर से सीन यार भाई कुछ प्यारा सीन आ रहा है इधर से। गाइस क्या बताओ, यहाँ पे मन कर रहा है ना कि यार एक दो रील बनाई जाए और रील बना के इंस्टाग्राम में डल जाए, बाकी आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पता नहीं है तो सर्च मार लेना मिस्टर नितेश 01, तो इंस्टाग्राम में भी आपका भाई मस्त मस्त भाई इतनी स्पीड से निकल रहा है, इंस्टाग्राम में भी आपका भाई ना इंस्टाग्राम में इतनी अच्छी अच्छी रील्स डालता है, फोटो वोटो आप लाइक कर दिया करो, फॉलो कर दिया करो, और अगर आप मैसेज करोगे ना आपका भाई पक्का आपका मैसेज का रिप्लाई देगा, बाकी यार यहाँ पे रील बनाते हैं एक दो फिर चलते हैं। इस फिलहाल अभी फोटो शूट वगैरह भी हो चुका है, साल तक की फोटो खींची भी हमने बहुत सारी दबा के, तो अभी फिलहाल चलते हैं। रील अभी बाहर आओ ना, तू आगा और मैं यहाँ से खोल के निकलूंगा बस। तो गाड़ी वाड़ी आ रही इधर से देखो, ये वहाँ से बना, चलो फिर आओ। विशाल दा कह रहे हैं करके मेरी एक रील बना दे, मतलब ना मन नहीं भरा इनका फोटोज से, तो क्या रील भी बना दे कह रहे हैं, तो विशाल दा की रील बनाते अभी, एक विशाल दा की रील्स वगैरह भी बना दी है, तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो अभी चल रहे हैं विशाल दा और मैं जाते हैं, बाकी हमारी स्पीड अभी चेक कराते हैं आपको कितनी स्पीड से चल रहे हैं, हम चेक कराते हैं अभी आपको, चेक करिए आप जाइए। 100 120 चल रहे भाई साहब, इतने रील्स भी चल रहे, देखिए 120 की स्पीड से चल रहे अभी, हम ये चेक करिए आप भाई साहब, तूफान मीनार की गाड़ी है, मजा आ गया है। वो लेडीज है, इनको लिफ्ट चाहिए, बट हम लिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि हम सख्त लौंडे रह गए। अरे ये कोई लिफ्ट देता है, कोई यूट्यूब में डाल देता है। हाँ तो सही में डाल देते, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी कहेंगे। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने देखी थी क्या वीडियोस? कितने बार देखता हूँ। तुमने किन रोकी फिर? सख्त लौंडे कह रहे हो, सख्त भी है, सख्त लौंडे भी, ऊपर से शादी शुदा लौंडे भी है, तब लिफ्ट नहीं दी। सुनो खेचो 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 भाई, खेचो 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 खेचो, रेस लगा रहे हैं हमसे भाई साहब, मजाक कर रहे हैं मजाक। काला डूंगी मार्केट में, तो कुछ खाते फिर चलते, मार्केट लगी है तो अभी खाते हैं और फिर चलते हैं, वजह से अपना देखिए क्या खिलाते विशाल दा। खा के आ गए और मिर्ची भी लग गई, होटल में गए थे तो खाया, आज हमने पिज्जा वगैरह भी खाया, तो बहुत मजा आया इस मजे से खाया। बाकी ब्लॉग तो नहीं होने वाला क्योंकि बिकॉज वो मना कर रहे थे ना ब्लॉग बनाने के लिए, तो विशाल जाता अभी भी आइसक्रीम खा रहे हैं, हाँ देख सकते खत्म हो गई अब जब खत्म हो गई, तो अब सुनाते हैं आपको गाने और चलते हैं, ये देखिए चेक करिए अपने। हम नया गाँव और गाना बंद करते हैं, ये चेक करिए नया गाँव का, इस साइड को मोड़े नया गाँव, तो फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं नया गाँव, चेकिंग चल रही क्या? ओ, 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 ओ,
विशाल अभी पहुंच चुके हैं भरेनी, बाकी विशाल भी एटीएम में गए हिताची के, तो पैसा निकालना है, उसके बाद चलते घर को यार, थकाई भी लग चुकी है काफी। तो अभी देखते कि आगे ब्लॉग होता नहीं होगा, बाकी आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट से बता देना मुझे, तो बाकी आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉग आगे कैसा होने वाला है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी मैंने विशाल का चश्मा पहना है, तो बताना है मतलब विशाल का चश्मा लग कैसा रहे, मतलब मैं कभी चश्मा नहीं पहनता हूँ, बट आज जो चश्मा पहना है ना ये विशाल का है, तो बताना कि कमेंट सेक्शन में जरूर से कि चश्मे में कैसा लग रहा है आपका भाई, उन्हें आपका भाई चश्मे में ब्लॉगिंग करेगा, बट कर तो लेता, मतलब बहुत भारी लगता है चश्मा यार मेरे को, तो भाई पहनने वन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि काफी ज्यादा भारी लगता है चश्मा, आपको पता ही होगा। जल्दी आओ यार के अंदर, और गाड़ी में चला रहा हूँ। गेट देखिए, शहीद तारा सिंह के गेट के आगे पहुंच गए। पहुंच गए और गाड़ी भी खड़ी कर दी है। भाई साहब वेट लग गई, गर्म बहुत हो गया। मजा आ गया। फर्स्ट राइड फ्रॉम कारडुमी।